आप देख रहे हैं आईबीएन भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। खबर देवरिया से, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परिणाम आने के बाद जिले के टॉपर्स को दीवानी न्यायालय के एडीआर सेंटर पर सम्मानित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने सर्वप्रथम जिले के नाम रोशन करने पर सभी मेघावी विद्यालयों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी तथा निरंतर कड़ी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के पथ पर बने रहने की हिदायत दी। देवरिया तृप्ति बालाजी मंदिर के स्वामी राज नारायणाचार्य जी ने इस खुशी के मौके पर छात्र और छात्राओं को जीवन की एक नई सीख दी। उन्होंने मात्र देव भव, पितृदेव भव, गुरुदेव भव पर अपनी बात रखते हुए बोले कि जो विद्यार्थी अपने माँ बाप का सम्मान करता है, वही अपने गुरु का भी सम्मान कर सकता है, क्योंकि गुरु वह व्यक्त होता है जो व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस क्रम में सचिव न्यायाधीश शिवेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि इंटरमीडिएट के परिणाम में साजिद अंसारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्या इंटर कॉलेज बघौच घाट देवरिया के छात्र हैं। प्रथम स्थान पाकर देवरिया जिले का नाम रोशन किया है। वहीं संजना शाह इंदिरा गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज सलीमपुर की छात्रा है, द्वितीय स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है तथा अमृता मिश्रा इंदिरा गांधी गर्ल्स इंटर कॉलेज सलीमपुर की छात्रा है, जिले में पांचवा स्थान हासिल किया है। वहीं दूसरी तरफ हाई स्कूल के परिणाम में सुजिता निषाद टीसीएस मेमोरियल इंटर कॉलेज बेलकुंडा बनसप्ती बाजार देवरिया की छात्रा है, पूरे जिले में प्रथम स्थान पाकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं हर्षित शुक्ला जी, जो कि महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज कुरुमपट्टी पथरदेवा देवरिया के छात्र हैं, जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? आगे क्या है विचार? आगे सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करना। किस विद्यालय से? मेरे 600 में से 556 नंबर है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता, अपने परिवार और बंधुओं को देना चाहूँगा। सर, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज कुरुमपट्टी पथरदेवा देवरिया का इच्छा। आगे क्या है ते? सर, मैं IIT से इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। क्या नाम है? सर, जो जनपद में अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, उसमें जो जनपद का नाम रोशन किया है, ऐसे छात्रों का, छात्राओं का, विद्यार्थियों का आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सम्मान किया है, प्रोत्साहित किया है और उन्हें और अच्छा करने की प्रेरणा दी है। प्रयास है कि बेहतर से बेहतर विद्यार्थियों को बनाने में जो भी हम अच्छा कर सकते हैं वो करें। आज जो विद्यार्थी हमारे बीच में आए हैं वो सब अब एक प्रेरणा स्रोत हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने मेहनत करके रिजल्ट लाया है, क्योंकि उन लाखों विद्यार्थियों में ये कुछ चुने हुए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने रैंक को लाकर जिले का नाम रोशन किया। अगर हम इनका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, अगर हम पीठ नहीं थपथपाएंगे, तो फिर आने वाले दिनों में इनका कहीं ना कहीं एक मोरल और जो भी चीज़ें रहती है वो कम होगी। इसलिए हम सब ने यह प्रयास किया है कि इनको और उत्साहित करें, इनके कार्य के लिए और ज़्यादा इनके हौसले को बढ़ाएं और ये कहें कि आप अभी रुकना नहीं है, अभी आपको डिगना नहीं है, अपने लक्ष्य के प्रति और ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत से और आगे बढ़ना है और जहाँ भी थोड़ी बहुत और कमी रह गई है उसको करके पूरे प्रदेश में ज़िले का नाम रोशन करना, ऐसा हम लोगों ने विद्यार्थियों से कहा है। और निश्चित तौर पर विद्यार्थी, छात्र छात्राएँ आज हम सबके बीच में आए, यह सब जो स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य, हमारे इन बच्चों के आदर्श, उनके माता पिता भी साथ में आए, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप सब ने विद्यार्थियों के लिए जो एक अच्छा वातावरण तैयार किया, ये समस्त विद्यार्थियों के लिए आप और करिए कि हमारे ज़िले के समस्त विद्यार्थी टॉपर की श्रेणी में रहें, प्रदेश में नाम हो, और भी ज़्यादा जहाँ कमी या जो भी चीज़ें हो, जहाँ मेरी आवश्यकता हो वहाँ मेरा सहयोग लीजिए, हम सब विद्यार्थियों के साथ खड़े और इस प्रदेश में, इस जनपद देवरिया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, खासतौर पर रिजल्ट के मामले में इसका काम हम लोग करेंगे और समस्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करके आज उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल IIBN भारत के साथ। नमस्कार।